good morning all of you hari om hari om hari om how are you all i hope you all are fine and safe at your home so dear children as we all know we have exam and in that exam we have oral exam also so in that you are going to speak about some topics okay मतलब ओरल एग्जाम में आपको कोई भी टॉपिक के बारे में बोलना है ठीक है तो वो आपको सब्जेक्ट टीचर बता देंगे ठीक है सो इन ई वी वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट ट्रीज ओके क्योंकि हमने प्लांट्स वाला चैप्टर किया है तो ट्रीज़ के बारे में हमें टेन लाइन्स बोलनी है आई विल गिव यू टेन लाइन्स यू कैन स्पीक सिक्स टू सेवन लाइन्स ओके मिनिमम सिक्स या सेवन लाइंस कंपलसरी है बोलना ठीक है और फिर आपको कैसे वो ओरल एग्जाम का वीडियो सेंड करना है या फिर कैसे करना है वो आपको बता दिया जाएगा ठीक है बट फर्स्ट लेट मी गिव यू टेन लाइंस एंड यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑफ दिस एवरी डे ओके सो यू कैन स्पीक वेरी वेल सो लेट स्टार्ट ओके सो दीज आर द लाइन्स यू हैव टू स्पीक इट इन योर ओरल एग्जाम ओके सो लेट स्टार्ट नंबर वन Trees are very important part of the earth see that we all know trees are very important for us why because they gives us oxygen then vegetables fruits and basic needs also okay so trees are very important part of the earth okay so this is your first sentence now sentence number 2 they take carbon dioxide and give us oxygen दैट्स दैट इज ऑल्सो ट्रू कि कार्बन डाइऑक्साइड वो ब्रीदिंग में लेते हैं एंड ब्रीद आउट में हमें क्या देते हैं ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन वी नीड टू ब्रीदिंग ओके विदाउट ऑक्सीजन अ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट लीव फॉर इवन टू मिनट्स और ऑक्सीजन के बिना कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह पाता ठीक है नाउ नंबर थ्री देर आर थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ ट्रीज सी आपको पता होगा कि कोई भी ट्रीज अगर आप रास्ते पे भी जा रहे हो ना तो कोई भी सेम नहीं होते हैं। बहुत सारे टाइप्स के ट्रीज़ होते हैं ठीक है सो देर आर थाउजेंड्स टाइप्स ऑफ ट्रीज और आपको पता होगा आप अगर आ, इंटरनेट यूज़ करते हो ना पूरा दिन तो उसमें ना आप अमेजॉन जंगल सर्च करोगे ना तो उसमें आपको बहुत सारे टाइप के इंसेक्ट्स और ट्रीज़ और प्लांट्स के बारे में आपको बताते हैं वीडियो में ठीक है तो वो आप देखना उसमें बहुत सारे टाइप्स के प्लांट्स है जो हमने आज तक सुना भी नहीं है वैसे वैसे वो लोग डिस्कवर करते हैं ठीक है अमेजॉन जंगल में से और वो सबसे बड़ा जंगल है सो so, देर आर थाउजेंड्स टाइप थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ ट्रीज ईच कंट्री ऑन अर्थ हैज़ प्लांट्स एंड ट्रीज तो बहुत सारे टाइप्स के प्लांट्स है ट्रीज़ है और ईच कंट्री मतलब सारी कंट्री में जो हमारी अर्थ पर जो सारी कंट्रीज़ है उसमें प्लांट्स और ट्रीज होते हैं ठीक है नंबर फोर ट्रीज कीप द एनवायरमेंट कुल दे अल्सो क्लीन द एयर बाई टैकिंग हार्मुल गैसेस ठीक है तो ट्रीज क्या करते हैं एन्वायरमेंट को कूल cool रखते है सी आप लोग ना एक, एक चीज नोटिस करना अगर आप कहीं पर जा रहे हो ना तो जहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स है फैक्ट्रीज है तो वहाँ का एटमोसफियर ना आपको थोड़ा सा गर्म लगेगा थोड़ा नी बहुत गर्म लगेगा और जैसे ही आप जहाँ पे ट्रीज ज्यादा है वो वाले एरिया में जाते हो ना तो वहां पर आपको इतना ठंडा फील होगा ना Uh, मैं आपको एक जगह बता सकती हूँ जहाँ पे मैं रहती हूँ ना तो वहाँ पे uh, कापोद्रा वाला बी uh, जो ब्रिज है ना तो वहाँ पे मैं जहाँ से नीचे उचर उतरती हूँ ना तो वहाँ पे सामने ट्रीज़ वाला एरिया है तो जैसे ही हम नीचे उतरते हैं ना तो वहाँ पर बहुत ठंडा ठंडा लगता है पर जैसे ही हम फैक्ट्री वाले एरिया में या फिर जहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स है हाउसेस है वहाँ पे जाएंगे तो हमें गर्म फील होगा तो ट्रीज़ है वो हमारे इन्वायरमेंट को कूल रखता है एंड अल्सो दे क्लीन अवर एयर ओके जो हमारे एयर में बहुत सारे डेंजरस गैसेस है जो रिलीज हुए हैं बाई द फैक्ट्री ओके okay? मतलब फैक्ट्रीज़ या फिर कोई केमिकल्स रिलीज हुए हैं फैक्ट्रीज़ में से तो वो क्या करते हैं उनको क्लीन करता है ठीक है देन फाइव नंबर द काटन गिवन बाई ट्रीज इज़ यूज टू मेक क्लोथ्स विच ह्यूमन बींग वेयर सी हम लोग जो क्लोथ्स पहनते हैं तो उसमें जो कॉटन यूज होता है वो कहाँ से आता है फ्रॉम द प्लांट हमने वो प्लांट वाले चैप्टर में सीखा था ना कि कॉटन होता है उससे क्लोथ्स बनते हैं फिर नाइलॉन वो कहाँ पर बनता है वो तो फैक्ट्रीज में बनता है ठीक है दैट इज मैन मेड प्रोडक्ट पर जो कॉटन है वो हमें प्लांट में से मिलता है ठीक है जिसके हम कपड़े बना के पहनते हैं नाउ नंबर सिक्स दे गिव अस वुड विच इज यूज फॉर मेकिंग बुक्स विंडोज एंड अल्सो फॉर बर्निंग ठीक है Now, wood, books, windows, burning, और फ्रीज में से हमें क्या मिलता है वुड मतलब लकड़ी मिलती है एंड दैट वी यूज फॉर मेकिंग बुक्स बुक के जो पेज होते हैं ना वो भी वुड में से बनते हैं ठीक है एंड विंडोज हमारी जो विंडोज़ है वो भी लकड़ी की होती है एंड ऑल्सो फॉर बर्निंग बर्निंग का मतलब होता है जो जहाँ पे ये लोग एल पी जी यूज़ नहीं करते हैं ना एज अ इन कुकिंग एट दैट टाइम दे यूज़ वुड ओके सो बर्निंग का मीनिंग है जो खाना पकाने में गाँव में लो, लोग यूज़ करते हैं ना लकड़ी दैट इज़ बर्निंग ओके सो दे गिव अस वुड विच इज़ यूज फॉर मेकिंग बुक्स विंडोज एंड For burning, okay? Now number सेवन Trees give us fruits like apples, mangoes, bananas, oranges, kiwi, etc. We all like fruits. Yes or no? Yes. हमें fruits तो बहुत पसंद है और अभी तो जो कोरोना चल रहा है ना तो उसमें तो हमें हमारी इम्यूनिटी इतनी अच्छी रखनी चाहिए ना तो हमें फ्रूट्स तो खाना चाहिए पर अगर प्लांट्स और ट्रीज़ नहीं होते तो वो हमें कहाँ से मिलता कहीं से भी नहीं सो so, ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे गिव अस फ्रूट्स अल्सो तो हमें ट्रीज में से फ्रूट्स भी मिलते हैं नाउ नंबर एट मैनी ट्रीज आर यूज टू मेक मेडिसिन दैट कीप अस अवे फ्रॉम डिजीजिस ठीक है तो कुछ प्लांट्स कुछ ट्रीज ऐसे भी है जिसमें से मेडिसिन बनती है ठीक है तो वो हमें सारे इलनेस से दूर रखते हैं ठीक है थीके? आपको पता होगा आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है ना वो बेसिकली ये सारे प्लांट्स में से और हर्ब में से ही बनती है ठीक है वो उसमें कुछ भी केमिकल और कुछ भी एक्स्ट्रा यूज़ नहीं होता वो लोग प्योर आयुर्वेदिक बनाते हैं ये ट्रीज में से ठीक है सो वी कैन गिव मेडिसिनल्स सॉरी वी कैन गेट मेडिसिन फ्रॉम द ट्रीज ओके नाउ नंबर एट फॉरेस्ट आर होम टू थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स लाइक लायन टाइगर डियर मंकी एक्सेट्रा और जो फॉरेस्ट है जो हमने एनिमल्स वाला चैप्टर जब लर्न किया था तब उसमें बोला था ना कि हमें कभी भी जंगल को काटना नहीं चाहिए जंगल के पेड़ को हमें कभी भी काटना नहीं चाहिए क्यों क्योंकि उसमें सारे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं ठीक है सो फॉरेस्ट्स आर फॉरेस्ट आर होम टू थाउजेंड्स ऑफ एनिमल लाइक लायन टाइगर डियर मंकी ओके सो ये सारे एनिमल्स है वो कहाँ पर रहते हैं जंगल में रहते हैं सो वी डो नॉट हैव टू कट द ट्रीज फ्रॉम द जंगल और फ्रॉम एनी वेयर ओके मतलब हमें कहीं पर भी ट्री नहीं कट करने चाहिए नंबर टेन वी कैन नाट लिव विदाउट ट्रीज हैंस वी शुड ऑलवेज प्रोटेक्ट ट्रीज एंड प्लांट एज मैनी एज पॉसिबल सी हम ट्रीज़ के बिना नहीं रह सकते क्यों बिकॉज वी गेट ऑक्सीजन फ्राम द ट्रीज वी गेट वेजिटेबल्स फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री एंड अल्सो वी गेट क्लोथ्स फ्रॉम द ट्री एंड अल्सो सम बेजिक नीड लाइक मेडिसिन वुड दैट मस्ट थिंग वी गेट फ्राम द ट्रीज अगर ट्रीज नहीं होते तो हम कैसे जी पाते सो वी डू नॉट हैव टू कट द ट्रीज ओके okay? और हमें ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए हो सके उतना ठीक है एज मैनी एज पॉसिबल ठीक है सो हियर दीज आर टेन लाइन्स यू हैव टू स्पीक अबाउट इट एंड देन यू हैव टू मेक वन वीडियो दैट वी विल इन्फॉर्म यू लेटर ऑन कि आपको क्या करना है वीडियो बनाना है कि और आपको कैसे सैंड करना है ठीक है सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बाय